एनर्जी आती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इन COVID-19 सिचुएशंस। वी विल रीड द चैप्टर 7, द कैट्स पैराडाइज। जस्ट इमेजिन दैट वी कम फ्रॉम स्कूल और ऑफिस एंड हैव नो प्लेस टू गो। आप ऐसी कल्पना करो कि आप स्कूल से आ रहे हो या आपके मम्मी पापा ऑफिस से आ रहे हैं, तो घर में कोई जगह नहीं है। व्हाट वुड वी डू? हमें कहीं जाने की जगह नहीं है। हाउ, घर नहीं है मतलब हमारे पास, शायद ये वही कहना चाह रहा है। हाउ अनसेफ एंड अनकम्फर्टेबल वी वुड फील। आवर होम्स आर स्मॉल ब्यूटिफुल वर्ल्ड्स वेयर वी एंजॉय द लव एंड केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हमें कैसा लगेगा? हमारे जो घर है वो हमारे लिए छोटी दुनिया है, जहाँ पर सुंदर है, पूरी कायनात हमें मिल जाती है जब हमें वहाँ अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी, बाकी फैमिली का प्यार मिलता है। द कैट्स पैराडाइज, एक बिल्ली का स्वर्ग जिसे हम कहेंगे हेवन। प्रेजेंट्स ए कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कम्फर्ट, का वो कंट्रास्ट दिखाता है इसमें। लुइस ए फैट डोमेस्टिक कैट ऑफ चेरी एक्सपेरिमेंट्स टू लीव हर होम टू एंजॉय द अट्रैक्टिव लाइफ ऑफ स्ट्रीट। फैसिनेटेड बाई द एक्ट लुइस इज हैप्पी टू वॉन्डर अराउंड, वो खुश है इधर उधर घूमने में। ही कम्स टू हिज सेंसेस व्हेन ही फील्स द पैंग्स ऑफ हंगर इन हिज स्टोमक। उसको तब होश आ जाता है घर छोड़कर जब उसको भूख लगती है। ही हैड नेवर फेच्ड हिज फूड, उसने अपने खाने की कभी तलाश नहीं की। उसको रेडी मतलब पका पकाया मिला है उसकी माल के द्वारा। इन फैक्ट द फूड हैड ऑलवेज कम टू हिम। ही रियलाइजेज दैट द स्ट्रीट्स आर ब्यूटिफुल ओनली वेन वी सीन फ्रॉम बिहाइंड द विंडो पेन्स ऑफ वंस होम। उसको तब एहसास होता है ये गलियां तब तक सुंदर है जब हम उनको अंदर से देखते हैं, हमें सब कुछ मिलता है घर में। इन रियलिटी द सिचुएशंस आर, वास्तविकता में ये बहुत दूर है सच्चाई से। डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम, क्या हमारे पास कोई पालतू जानवर है? हाउ डज इट बिहेव, वो कैसे बिहेव करता है, क्या है उसका व्यवहार? इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग परिस्थितियों में वो कैसे उसका उठना बैठना है? डज इट लाइक लुइस चेंज हिज माइंड अबाउट फ्रीडम आफ्टर रोमिंग आउटसाइड विद अदर कैट्स। अब हम पढ़ेंगे उसको, लुइस को कैसे बाहर और अंदर की दुनिया में फर्क लगा। लुइस वॉज अ फैट कैट हु वॉज वेरी फॉर्चुनेट। लुइस एक मोटी बिल्ली थी जो बहुत ही भाग्यशाली आप कह सकते हो। ही लिव्ड इन लक्ष्मी, वो बहुत ही अमीर लाइफ उसका गुजारती थी। हिज कंपेनियन अ वुमन नेम्ड चेरी, चेरी उसकी कंपेनियन थी। फेड हिम सैल्मन, सैल्मन एक टाइप ऑफ फिश, एंड कैवियर अनदर फूड दैट लुइस ईट। ही स्लेप्ट ऑन फेदर पिलोज, उसका जो बिस्तरा बहुत ही नरम था। बिफोर अ फायर, और जब ठंड का मौसम था तो आग जलाकर, मतलब बहुत ही आप कह सकते हो आरामदायक जीवन व्यतीत कर रही थी लुइस। स्टिल लुइस ऑफन स्टेयर्ड लॉन्गिंग आउट ऑफ द विंडो, उसको बाहर जाने की चाह थी। व्हेन ही स्ट्रेच्ड हिज नेक, और जब वो विंडो से बाहर देखती, ही कुड सम टाइम सी कैट्स अक्रॉस द वे, कभी वो सड़क पर बिल्लियों को देखती तो वो उदास हो जाती। रोम्पिंग अक्रॉस द स्लेट रूप्स एंड लॉलिंग बीनीथ द सन, लॉलिंग होता है वांडर करना, वो सनशाइन में बैठी होती थी तो उसको वो परेशान होती वो अंदर क्यों है। लुइस वांटेड जस्ट वन थिंग, लुइस को एक ही बात का पता था। ही वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ दोज कैट्स इन द रूफ टॉप, जो वहां पर सड़क के नीचे बैठते थे वैसी लाइफ जीना चाहती थी। पैराडाइज ही पर्ड बोलते थे, आह क्या स्वर्ग में बैठी है वो। एंड ही वोर्ड द मोमेंट दैट ही हैड चांस
और वो इसका इंतजार करती है वो कब उस पैराडाइज का आनंद उठाए, बाहर का जो दुनिया है उसमें जाए। वन डे ए मिरेकल हैपन, एक दिन चमत्कार हो गया। शेरी फॉरगेट टू क्लोज द किचन विंडो, उसको किचन की वो विंडो बंद करना भूल गई उसकी जो मालकिन थी। एंड व्हेन शी टर्न बैक लुइस लीपड आउट, उसको मौका मिल गया लुइस को बाहर निकलने का। हाउ ब्यूटिफुल द ही क्रून, वो खुश हो गई बाहर आने में, कितना सुंदर है सब। ही कुड स्मेल सनशाइन एंड ट्रीज, वो धूप और छांव पेड़ों में बैठती, फ्लावर्स फूलों को देखती एंड बेकिंग क्रोसेंट्स। ही ट्रेम्बल्ड विद जस्ट द टिनिएस्ट बिट ऑफ फियर व्हेन द थ्री कैट्स मीविंग मिनेंसली अप्रोचेड, जब उसके तीन कैट्स उसके साथ आए तो वो थोड़ा सा डर गई। बट दे लाफ्ड एट लुइस, वो उन्होंने हंसा उस पर। सिली गूस, व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम हमसे क्यों डर गए हो, दे आस्क्ड लुइस। डिसाइडेड ही हर्ड मियाओ टू, वो भी उनको बुलाएगी। ही ओपन्ड हिज माउथ एंड जॉइंड इन देयर वेलिंग, उनके साथ आवाजें निकालने लगी। व्हेन द अदर्स लोल्ड अलोंग द रूफ टॉप, जब बाकी घूम रहे थे छतों पर, लुइस लोल्ड राइट बिसाइड देम, उनके साथ चलने लगे। तो दिस वॉज अबाउट द लुइस, वी शैल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।